पूरा भरोसा है, जो सामने आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, एकदम गारंटी है। हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। और बड़े मंच पे जिसका बड़ा जिगरा होता है वही आता है लड़ने, तो हम भी लड़ने चल दिए हैं, देखेंगे किसमें कितना है दम। हम भी हैं, तुम भी हैं, दोनों हैं, आमने सामने, देखा जाएगा क्या होता है, देखते हैं किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम। एक्टर की चॉइस होती है फिल्म की, कौन फिल्म अच्छी है और कौन हीरो किसका ज़्यादा फैंस फॉलोअर्स है। तो खेसारी लाल जी सबकी पसंद नंबर वन में है, थिएटर्स की डिमांड पहला खेसारी लाल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कहीं से। पराग पाटिल, और पराग पाटिल इज द बेस्ट, पराग पाटिल ही फेस्टिवल मारेगा, जो अच्छा है वही चलेगा। सिनेमा घरों में खेसारी जी के फिल्मों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया है बॉक्स ऑफिस पर, जितनी भी खेसारी जी की फिल्में अभी हाल ही में रिलीज हुई। देखा होगा खेसारी जी को अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करते हुए, लेकिन इस बार बिल्कुल एकदम बकरी के साथ जो रोमांस किया है खेसारी जी ने, कि सारी हीरोइनें तो खेसारी जी के प्रेम में पड़ ही जाती थी उनके साथ काम करने के बाद, लेकिन इस बार बकरी भी अपने आप को नहीं रोक पाई और खेसारी जी के प्रेम में पड़ गई। ये दिवाली में मुंबई, यूपी, पंजाब हो रही है और बिहार में छठ, यूपी बिहार और मुंबई दिवाली में रिलीज हो रही है और बिहार में छठ कर रही है। फेस्टिवल पे जो फिल्में रिलीज होती हैं, फेस्टिवल पर ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार्स की बुकिंग होती है, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं, कई बड़ी फिल्में आ रही हैं, उनसे भी टक्कर होगी आपकी फिल्म की, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस आपको आशीर्वाद देगी? फेस्टिवल एक बड़ा मंच होता है फिल्म रिलीज का, और बड़े मंच पे जिसका बड़ा जिगरा होता है वही आता है लड़ने, तो हम भी लड़ने चल दिए हैं, देखेंगे किसमें कितना है दम। विजय भैया, पिछला भी आपका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, सबसे चर्चा का विषय बने हुए हैं जी, आज भी कुछ ऐसा कह ही दें। अब हम भी हैं, तुम भी हैं, दोनों हैं, आमने सामने, देखा जाएगा क्या होता है, देखते हैं किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम। आपको अपने विषय पर, अपनी फिल्म पर और खेसारी लाल पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, जो सामने आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, एकदम गारंटी है। हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। पाटिल साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और मैं तो चाहूँगा कि सारे प्रोड्यूसर्स, सारे डायरेक्टर्स, जितने भी लोग आ रहे हैं फेस्टिवल के तहत, लेकिन फेस्टिवल के तहत सारे लोगों का काम अच्छा हो, सभी लोगों की फिल्में चले, लेकिन आई एम पराग पाटिल और पराग पाटिल इज़ द बेस्ट, पराग पाटिल ही फेस्टिवल मारेगा, जो अच्छा है वही चलेगा। थिएटर्स और सेंटर्स, क्योंकि जब कई फिल्में रिलीज होंगी, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होंगी, कम से कम तीन फिल्मों के बारे में मैं जानता हूँ जो कि रिलीज हो रही है दिवाली पर, कौन सी की फिल्म है? स्वाभिमान, दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म है, आर्मी, एक और फिल्म है जिसकी कंफर्मेशन की बात चल रही है, चौथी फिल्म आपकी होगी। क्या इतनी जब एक साथ चार चार फिल्में रिलीज होती है, आपको लगता है आपको थिएटर मिल पाएंगे, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो आपको प्लेस दे पाएंगे? देखिए, थिएटर की चॉइस होती है फिल्म कि कौन फिल्म अच्छी है और कौन हीरो किसका ज़्यादा फैंस फॉलोअर्स है। तो खेसारी लाल जी सबकी पसंद नंबर वन में है, थिएटर्स की डिमांड पहला खेसारी लाल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कहीं से। और फिल्म अच्छी है तो मुझे विश्वास है कि मुझे अधिक से अधिक थिएटर मिलेंगे। जी, बाकी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल, अभी देखिए चार चार हीरोज़ हैं, चार चार हीरोज़ की फिल्में आ रही हैं, तो सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अगर सचमुच अगर आकलन किया जाए पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक, तो सिनेमा घरों में खेसारी जी के फिल्मों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया है बॉक्स ऑफिस पर, जितनी भी खेसारी जी की फिल्में अभी हाल ही में रिलीज़ हुई कोरोना काल से लेकर अब तक, तो यकीनन खेसारी जी के फॉलोवर्स और खेसारी जी के फ़ैन फॉलोइंग जो है वो उनके दीवाने हैं, और वो उनको हमेशा बार बार लगातार देखना पसंद करते हैं, तो यकीनन बोल राधा बोल उनको वही मिलेगा, बोल राधा बोल में जो खेसारी लाल यादव जी को वो देखना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, वही पाकर निकलेंगे बोल राधा बोल। फिल्म करने के दौरान जो अनुभव था वो ये था कि हमें परिवार की तरफ पूरी फिल्म की शूटिंग की, एक दिन भी ये नहीं लगा कि हम वो शूटिंग करें, लगा था हम लोग पिकनिक मनाने आए, इस माहौल में शूटिंग हुई है हमारी फिल्म की, और फिल्म
इतनी अच्छी बनी है, वही है ना कि जिसमें दम होगा वो बाजी मार के ले जाएगा। नहीं लेकिन ज्यादातर आपकी फिल्मों में और भी दूसरे विलन होते हैं, यहाँ पर एकमात्र आप ही हैं, इस बात की कितनी खुशी थी और कितना ज्यादा दबाव है? बहुत खुशी थी, बहुत खुशी है, इन लोगों ने विश्वास किया है, विश्वास के साथ वो कैरेक्टर दिया है मुझे और मैंने निभाया है। अब आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद दर्शकों का चाहिए मुझे। विजय जी, जिस तरह से लुक फिल्म का वायरल है, बहुत सारे लोग यूनिकनेस के साथ है लुक तारीफें कर रहे हैं, आपको लगता है कि लुक पसंद आया तो ट्रेलर पसंद आएगा और फिल्म भी पसंद आएगी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सारे लुक पोस्टर से मेरे पसंद आ रहे हैं और फिल्म भी पसंद आएगी, ये 100% का दावा है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से शिद्दत से बनाई है और डायरेक्टर से लेके राइटर से लेके हीरो से लेके हम लोग सब लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस पिक्चर पे, हर पग पग पे सचेत रहा हूँ मैं कि नहीं, हम मार्केटिंग करते हैं, मुझे उसका तजुर्बा है तो तजुर्बा का इसमें डाला गया है अनुभव। विजय जी, जो सहयोग, जो मदद या फिर जो आपको चीज़ें चाहिए थी खेसारी लाल यादव से, क्या वो मिल पाई, क्या उन्होंने उस तरह से सहयोग दिया? बिल्कुल बिहार, खेसारी लाल जी न होते, उनका सहयोग ही तो सब कुछ है, उनका ही सहयोग है कि मैं प्रोड्यूसर बन गया और आसानी से फिल्म बना लिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो खेसारी जी ने तो वो तो सबके लिए सहयोग करते हैं, कहीं उनका कोई शिकवा शिकायत तो है नहीं सेट पे, हमारे लिए तो वो हमसे जो पहले टाइट रहते थे कि मेरी फिल्म है।